in production analysis under the financial constraints we are going to study economic cost previously we have studied various types of the costs total cost average cost marginal cost sunk cost and all these type of the terms we are now very much familiar then what is the economic cost as we have already uh, studied that when we Register certain types of the cost in certain ledger that is possible only and only when we assign certain monetary value to certain inputs or to the resources. So, here the economic cost it requires that that monetary value it should be that much accurate or that it should be that much sufficient that it keeps the resource. इन बिजनेस प्रोसेस और इट कीप्स द रिसोर्स इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाहे लेबर हो या चाहे कैपिटल हो मीन्स हम एक घर का कराया दे रहे हों हम किसी होटल के भी बिल्डिंग का कराया दे रहे हैं या हमने उसमें लेबर को हायर किया हुआ हो या उसी तरीके से अगर हम कहें कि जिस तरह एक ज़िमीदार या एक काश्तकार वो रेंट देता है एक एकड़ ज़मीन का या दो का या वो पानी की बारी लेता है एक घंटे की या दो घंटे की तो वो उसकी एक कीमत दे रहा होता है अब इसी तरीके से ये जो मोनिट्री वैल्यू असेस हम करते हैं ये एक्चुअली हम कैसे कर रहे होते हैं मोस्टली जो प्रेवलेंट रूल्स हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के असेसमेंट देखते हैं क्योंकि कंपेटिटिव फॉर्म्स के लिए यही सेटअप है कि दैट दे विल बी बेसिकली द प्राइस टेकर सो वट एवर विल बी द मार्किट प्राइस ऑफ दैट रिसोर्स इन द सेटअप हम उसको वो पे कर रहे होंगे या कोई भी जो एंट्रप्रन्य है वो पे कर रहा होता है सो दैट मार्किट प्राइस आइदर दैट इज गोइंग टू असरटेन एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट रिसोर्स और दैट इज गोइंग टू असैस दैट आइदर दिस रिसोर्स विल बी कैप्टन द प्रोडक्शन प्रोसेस और नॉट या हम अगर कहें कि किसी एक लेबर को किसी मज़दूर को अगर उसकी सही कीमत हम अदा नहीं करेंगे तो आइंदा उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में रखना मुश्किल हो जाएगा और इसी तरीके से किसी और रिसोर्स को जो कैपिटल की फॉर्म में है ये अगर उसके लिए सही रिसोर्स एलोकेशन करनी है उसके लिए सही बजटिंग करनी है तो वो तभी मुमकिन है जब उसको उसकी सही कदर कीमत के मुताबिक रखा जा सके तो ये जो उसकी एक्चुअल कदर कीमत का ये असेसमेंट है दैट इज़ द अदर नेम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट अब जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो हम बेसिकली इसके दो हिस्से रखते हैं अब वो दोनों सेगमेंट्स हमारे पास क्या हैं वन इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द अदर इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक फर्म के वो तमाम अखराजत हैं जिसको जब हम मोनिट्री टर्म्स में रुपये की शक्ल में डॉलर की शक्ल में या जो उस वक्त की करेंसी की शक्ल में हम उसके मुताबिक अखराज करते हैं जो मार्केट से हमें चीज़ मिल रही है और उन रिसोर्स को हम उसके मुताबिक उसकी पेमेंट दे रहे होते हैं या हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं और ये जितनी भी कॉस्ट्स हैं इसको हम प्रॉपरली कैश ट्रांज़ेक्शन के मुताबिक डील कर रहे होते हैं मीन जमा तफरीको रही है दे रहे हैं और ले रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं कुछ ऐसी कॉस्ट हो सकती हैं जिनको हमने कभी असेस ही नहीं किया होगा और वो क्या है वो कुछ ऐसे रिसोर्स होंगे जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में होंगे या कुछ सर्विसेज होंगी जो उनको हमने कभी असेस नहीं किया होगा लेकिन वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा होंगे तो ये दोनों को अगर हम जब तक प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं देंगे असेसमेंट नहीं करेंगे तो हम उस प्रोडक्शन एक्टिविटी की कंप्लीट इकोनॉमिक कॉस्ट असेस नहीं कर पाएंगे अब अगर हम नहीं करेंगे तो इसका हमारे पास अगर देखें तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा तो इकोनॉमिक्स के रूल्स में हम मोस्टली जो कोई भी रिसोर्स हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है हम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के मुताबिक दो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा चार यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है या लाइक वाइज हम उसकी प्रोडक्टिविटी को असेस करते हैं और जो उसका मार्केट रेट है उससे मल्टीप्लाई करके तो हम उसके मुताबिक असेसमेंट करते हैं और उसकी उसकी लेबर है तो उसकी वेज हो जाएगी कैपिटल है तो उसका रेंट हो जाता है लेकिन अब ये यहाँ से अगर हम देखें तो हम उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कंट्रीब्यूशन के मुताबिक पे कर रहे होते हैं जो वो प्रोडक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बन रही है लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन में से बहुत सारे ऐसे हों जिनकी एक अल्टरनेटिव यूज़ हमारे पास मौजूद हो और चाहे हम इस्तेमाल करें या कहीं और इस्तेमाल हो वो उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सके तो एक तरह से हम देखें तो उन रिसोर्स के बारे में उसकी एक अल्टरनेटिव या फॉरगोन वैल्यू भी हमारे पास होनी चाहिए कि क्या वो इससे बेहतर है या कम है तो फिर हम उसकी सही इकोनॉमिक वैल्यूएशन कर सकें और इसी तरीके से मैं अगर आपसे सादा अल्फाज में कहूँ तो वो ये होगा कि हम अगर कल को किसी इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो हमें एक बेस्ट फॉर्म में एक सिस्टम के बारे में ऑटोमेशन दे सकता है बता सकता है हम उसकी बजाय उसको सिर्फ डाटा अंदराज के लिए एक जगह पे बिठा लें और हालांकि वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हमें हो सकता है कि कोई जूनियर लेवल का वर्कर जो है वो भी प्रोवाइड कर सके तो हम उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल तो कर रहे होंगे लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी और उन्हें पे भी उसके मुताबिक कर रहे होंगे तो क्या होगा कि कल को जब कभी उसको अपनी एहलीत के मुताबिक काबिलियत के मुताबिक कहीं जॉब मिलेगी वो हमारे रिसोर्स से निकल जाएगा एंड लाइक वाइज कैपिटल की सिचुएशन हो सकती तो इसीलिए इकोनॉमिक कॉस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी शुड प्रॉपरली वैल्यू All the resources, not only according to their tangible contribution to the business process, rather we should also include the valuation of certain implicit parts or and the implicit system. और उसी तरीके से बहुत से resources जिनको अभी हम find out नहीं कर पाए, या हम assessment नहीं करें, हो सकता है हमें पता हो कि देर contributing लेकिन उनकी हमारे पास प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो रही अब इन दोनों के बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट और इसीलिए जब भी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की हमने इकोनॉमिक एफिशिएंसी मैर करनी हो तो वहाँ पे हमें इन दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करना होता है थैंक यू